नमस्कार। और खबर अब खंडवा से है। नर्मदा घाटी विकास संभाग के कर्मचारियों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले 17 आरोपी में से पुलिस के हत्थे चढ़े, बाकी की तलाश जारी है। करोड़ों के घोटाले के आरोपी को मानधनता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शेष 15 की तलाश जारी है। एनबीडीए विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ओंकारेश्वर मानधनता थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरगढ़ी कॉलोनी में स्थित एनडीबीए ऑफिस संभाग कार्यालय के बाबू अखिलेश, पिता सीताराम मंडलोई व कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतेश, पिता गोपी चंद राठौर ने शासक की 2,61,00,000 रुपए की राशि का गबन जो है कर लिया। जांच के बाद ये भांडा फूट गया। मुख्य दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 15 आरोपी फरार है। पुलिस जांच में समय जुटी है। आरोपियों के पास से 2 कीमती लग्जरी कारें जब्त हुई है। शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। 48 कर्मचारियों के भविष्य पर डाका डाला था। दोनों ने हेरा फेरी कर करोड़ों रुपए की जमीन, प्लाट और 2 कार भी खरीदी। सन 2018 से सन 2023 के बीच 48 कर्मचारी के खाते में भविष्य निधि पेंशन अवकाश की राशि का अपहरण कर अपने रिश्तेदारों खाते में डालकर हड़पी राशि से एस कर रहे हैं। मानधनता थाना प्रभारी अनोक सिंह सिंधिया की सक्रियता के चलते बड़े गबन का खुलासा हुआ है। और साथ ही ऑफिस के रिटायर कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा तो नौकरी के कार्यकाल में शासन को कितना चूना लगाया होगा। सवाल यह भी है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन यादव के हस्तक्षेप के बाद एनबीडीए विभाग हरकत में आया। यह जांच का विषय। आरोपियों ने रिमांड के दौरान खुलासा किया, दोनों को भेजा जेल। पुलिस और रिमांड ले सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों नहीं आखिर अभी तक जो है चाह रही थी, जो सरकार ने जो चीजें जो है की है उनके ऊपर जो है जांच बिठाने में इतना समय कैसे लगता है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018 से 2023 तक आरोपियों ने नर्मदा विकास संभाग के मोरगढ़ी कॉलोनी कार्यालय के करीब 48 कर्मचारियों के भविष्य निधि पेंशन बावकाश में रुपए निकाले थे। आरोपियों द्वारा किए गए 411 भुगतान का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम बिल का आरण 11 मई 2018 को 12,390 रुपए, अंतिम बिल 1 सितंबर 2023 को 39,443 रुपए किया जाना पाया गया था। इस तरह से दोनों ने 6 माह में 2,61,00,000 रुपए का गबन किया है। अब तक 15 आरोपियों की तलाश जारी। 2 आरोपियों को बुधवार न्यायालय में पेश किया गया। अतिरिक्त रिमांड पर ले जाने की तैयारी भी चल रही है। इस मामले में 15 अभी फरार चल रहे हैं। दोनों आरोपियों के रिश्तेदार व परिवार के लोगों भी शामिल हैं। बहन भाई, मामा, जीजा व साले सहित अन्य रिश्तेदार मित्रों के खाते में आरोपियों ने गबन के रुपए डाले। पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खंडवा से मंगल ध्रुवे की स्पेशल रिपोर्ट।